लिए देश के मानव संसाधन के विकास हेतु महिलाओं व पुरुषों की समान भागीदारी आवश्यक है। ऐसे ही एक फैशन कंपनी है एसॉर्ट, जो फैशन क्षेत्र में भारत की अग्रणी एक सह वाणिज्य को कॉमर्स कंपनी है, जो लोगों को उद्यमी बनने और अपने विचारों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है और उनके लिए एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाती है जिससे वे वैश्विक बाजार से भी जुड़ सके। बता दें कि एसॉर्ट ऐतिहासिक रूप से लोगों के आर्थिक अवसरों को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करती है। साथ ही एसॉर्ट का मानना है कि सही उपकरणों और मार्गदर्शन के साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक सफल उद्यमी बन सकता है। प्रशिक्षण, संसाधन और एक सहायक समुदाय प्रदान करके एसॉर्ट व्यक्तियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने के लिए सशक्त बनाता है। इस प्रकार वित्तीय स्वतंत्रता और एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। एसॉर्ट केवल व्यावसायिक अवसर ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में आर्थिक समानता की दिशा में एक आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां संभावनाएं अपार हैं लेकिन अक्सर अनदेखी की जाती हैं। भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही मंच नहीं मिल रहा, या यह कह सकते हैं कि उन लोगों के पास अवसरों की कमी है। ऐसे लोगों के सपनों को पंख देने के लिए एसॉर्ट उन्हें काम देकर उन्हें सशक्त बनाते हैं, जिनसे समाज में रहकर ये लोग खुद की पहचान बना सकते हैं। मेरा गांव तलवाड़ा खुर्दा, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से। मेरा जो गांव है, चारों तरफ से वो खेतों के अंदर घिरा हुआ है। कच्ची सड़कें हैं सारी उसकी, जब मैं बचपन में था, अब तो खैर पक्की हो गई हैं सारी सड़कें। एंड स्कूल है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक ग्राउंड है, हमारे खेत हैं। हम खेतों में जाते, वहाँ पे पड़ोसियों के गन्ने चोरी करते, अमरूद का बाग था, वहाँ से अमरूद भी चोरी करते। एंड बहुत सारी शरारतें की है बचपन के अंदर हमने। बहुत सारा, मतलब मैं शुरू से प्लेयर रहा हूँ, गेम खेलते थे हम। हमारे गवर्नमेंट स्कूल है एंड उसके अंदर एक ग्राउंड है, वहाँ पे सुबह चले जाते, वहीं पे रहते, फैमिली वाले लेने आते। कई बार तो ऐसा होता था कि फैमिली वाले आते और उनको बोलते बस 5 मिनट में आए, फिर 2 घंटे चले जाते, फिर से फैमिली वाले आते एंड फिर से वो बुला के लेके जाते। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को मार पड़ी हो। इसके साथ कुछ और भी मेमोरीज हैं स्कूल टाइम की, कि हम स्कूल में जाते एंड स्कूल में टीचिंग होती है, एंड टीचिंग के साथ साथ हमें फ़ीस के लिए बोला जाता, कि जैसे कल बोला गया कि कल को फ़ीस लेके आनी है, बट हम फीस नहीं लेके आते थे। क्यों नहीं लेके आते थे? क्योंकि फ़ीस लेने के लिए टीचर बोलेगा कि कौन फीस नहीं लेके आया, तो हम सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे एंड टीचर हमें घर पे भेजेंगे। घर पे जाने की बजाय हम क्या करेंगे, या तो खेत में चले जाएंगे या किसी फ्रेंड के यहाँ पे चले जाएंगे, जिसके घर में किसी उसकी फैमिली नहीं है, तो वहाँ पे इंजॉय करेंगे और सारा दिन वहाँ पे इंजॉय करके एंड उसके बाद स्कूल में जाते थे जब स्कूल क्लोज होने वाला होता था। मेरे अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, मतलब फास्टली ग्रो। इसका जो काम है, मेनली काम ही है कि हमें फास्टली ग्रो करना है, चाहे हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं चाहे हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर हम आबाद होना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आबाद हो सकते हैं, और अगर हम बर्बाद होना चाहते हैं तो हमें बर्बाद भी उतनी ही स्पीडली करेगा जितनी जल्दी आबाद करने वाला था। अगर मैं बात करूँ तो एक अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं इतने लोगों से कभी भी नहीं मिल सकता, एंड ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है जिसकी वजह से उसके इतने व्यू हुए पड़े हैं। एंड सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत, मतलब सोशल मीडिया हमारे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। मैं 18 साल के नवदीप को यही सलाह देना चाहूँगा कि आज जो तेरे पास टाइम है, इस टाइम को यूज़ कर, इसको सोने, खेलने और कूदने पे मत वेस्ट कर, ताकि बाद के टाइम पे तेरे को पछताना ना पड़े। इसको यूज़ कर टाइम के अकॉर्डिंग एंड अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो। जो न्यू जनरेशन है उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा कि जो आज हकीकत है, ये कभी ना कभी सपना थी एंड ये सपना ही था जो हकीकत बने। This is Abhreesh Ranjan, Executive Director at ASORT. At ASORT, we are deeply committed to provide a platform where everyone is not only dreaming but also achieve those dreams through entrepreneurship. Our aim is to break down the barriers that have historically limited their economic option. We believe that with the right tools, guidance and community support, anyone
irrespective of their background, can become a very successful entrepreneur. By offering training, resources, and a very supportive MDB, ASOT empowers its individuals to start and grow their own businesses. That paves the way for financial independence and a sustainable future. We're not just creating business opportunities, we are fostering an environment for financial stability and equality in Tier 2 and Tier 3 cities, where the potential is immense, but it is often overlooked. It's about uplifting the entire community, one entrepreneur at a time. That's why our slogan is ASOT, one team, big dream.